हेलो, थैंक हम यू। देख रहे हैं कहीं आप हॉस्पिटल में बैठी हैं, क्या वो सिचुएशन आपकी, क्यों आप हॉस्पिटल गए, किससे मिलने के? हाँ, हॉस्पिटल वाला सीन वो कैफे वाला था ना? हाँ, बेसिकली वो गई है सिद्धार्थ साहब से मिलने, जो वानी जी जी के हस्बैंड है, मतलब व्योम के जो पापा है। एंड उसका ऐसा इंटेंशन है इस टाइम पे कि अगर बाय चांस थोड़ी भी अगर ये अगर थोड़ा सा भी चांस है कि वानी जी जी ठीक हो सकती हैं या फिर उनका घर दोबारा से बच सकता है, तो बुलबुल को ऐसा लगता है कि शायद उसमें भलाई है, तो वो वहाँ पे मिलने जाती है। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि वानी जी जी ठीक हो जाएगी, तो बहुत इमोशनल हो जाती है कि कभी किसी ने ये बात कही नहीं है, अगर वो सही में ठीक हो जाएंगी तो मेरे परिवार के लिए कितना अच्छा होगा। तो वो सोच के वहाँ पर गई हुई है और वही चल रहा है। वही है कि एक तरफ पॉजिटिविटी भी है कि वो ठीक कर देंगे, और दूसरी तरफ ये भी है कि परिवार वाले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कभी तैयार नहीं होंगे उस चीज़ को लेके। और बुलबुल को यही डर है कि वो जाएगी तो शायद बहुत वो लेके जाएगी डॉक्टर साहब को, तो बहुत गुस्सा भी करेंगे, बट देखते हैं कि वो कैसे स्लोली स्लोली उस चीज़ को कैसे क्या करेगी। तो हाँ, क्योंकि उसकी फ़ाइल मिसप्लेस हो गई है, मेडिकल फ़ाइल जो उसके कबर्ड में थी वो उसके कबर्ड में नहीं है। तो उसके बाद वो थानेदार साहब को पूछती कि आपके कबर्ड में तो नहीं है, फिर उसे पता चलता है कि वो मासा के कबर्ड में है। और उसे फिर बहुत डर लगता है कि मेरी असली उम्र का सच है उसमें, और अगर गलती से भी किसी ने देख लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो वो ख़त्म नहीं करना चाहती। वो इस रिश्ते को संजो के सहेज के रखना चाहती है। तो काफ़ी आई थिंक उस पॉइंट पर बुलबुल के लिए बहुत डिप्रेसिंग है, और बहुत सारे एक तो ऑलरेडी वो इतनी स्ट्रेस में है जो वो दिखा नहीं रही है फैमिली को, बट डीप डाउन वो है। और उसके बाद ये एक नई चीज़ है जो कई बार उसे थोड़ी सी वीक भी कर देती है कि कहीं मेरी एज की सच्चाई बाहर ना आ जाए, तो वही डर के मारे वो बहुत रेस्टलेस हो जाती है और वो सब ऐसे हो जाते हैं। थैंक यू, थैंक यू।